हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये एक ब्यूटीफुल क्रोटन है और बहुत वैरायटीज आती हैं क्रोटन की। एक ये वैरायटी है जो बहुत ही कलरफुल होती है, एक ये वैरायटी है बहुत कलरफुल है, ये भी बहुत प्रिटी लगती है। मगर ये जो क्रोटन्स होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, ये क्रोटन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी ये लीव शेड करने लगते हैं। अगर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए इनके कंटेनर में, स्पेशली अगर ये सेरेमिक के पॉट में है, तो बहुत जल्दी अपनी लीव शेड करते हैं। और अगर हीट एकदम से ज़्यादा हो जाए तब अपनी लीव शेड करते हैं। अगर बहुत तेज़ हवाएं चल पड़े, गरम गरम हॉट वेव जिसको यहाँ लू कहते हैं, तब इसमें दोबारा लीव फॉल होने लगता है। एकदम से सर्दियाँ शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो जाए, तब इसमें लीफ शेड होती हैं। तो इसमें लीफ शेड होने का बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर इसमें रूट बाउंड है और पानी रुक गया, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंटेनर्स में ये लीफ शेड करते हैं। क्रोटन्स में लीफ ड्रॉप या स्ट्रेस का एक और कारण होता है कि इसमें हम लोग ने एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल दिया है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र अगर डाल दिया है, उससे भी इसमें लीफ ड्रॉप होती है। लीफ ड्रॉप एक साइन होता है इस प्लांट का कि ये स्ट्रेस में है और इसमें डील करने की ज़रूरत है। बचाना चाहिए इसको, प्लांट को ज़रूर। और अगर राइट टाइम पे आपने अगर डिटेक्ट कर ली प्रॉब्लम, तो ये प्लांट सेव भी हो जाता है। मेरा भी एक क्रोटन का प्लांट था जिसमें लीव्स शेड हो रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या रीज़न है और वो पेड़ एकदम ख़राब होने वाला था। देखते हैं उसको कैसे बचाया मैंने। ये क्रोटन का प्लांट एकदम लीव्स पीली होती जा रही हैं, तो आज मैं इसको निकाल के देखूंगी, चेक करूंगी क्या प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं कैसे सरवाइव कराएंगे। देखिए कितनी लीव्स इसमें गिर गई हैं। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा लिटा के नीचे, लीव्स के नीचे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। को लेटा दिया है, लीव्स के नीचे कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं दिख रही है। अब इसकी रूट निकाल के देखते हैं कि इसमें रूट रॉट तो नहीं हो रहा। सारी लीव्स पीली होती जा रही हैं, मिली बग्स तो नहीं है, कोई अटैक नहीं लग रहा है। एक तो प्रॉब्लम है कि ये सेरेमिक है, सेरेमिक ठीक नहीं रहता क्रोटन के लिए। तो चलिए निकाल के देखते हैं हम कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये इसका रूट बोल है, मिट्टी तो ठीक है, इसकी पूरी मिट्टी नहीं निकालूंगी अभी, खाली रूट रॉट के लिए चेक कर रही थी, कोई रूट रॉट नहीं है इसमें। देखिए एकदम भी रूट रॉट नहीं है। हो सकता है कि ये सेरेमिक पॉट की वजह से ही ख़राब हो रहा हो, तो अब हम लोग इसको अच्छी मिट्टी में थोड़ा रिपॉट कर देते हैं। अब इस प्लांट को रिपॉट करते हैं बेटर सॉइल में और अर्दन पॉट में। हालांकि अर्दन पॉट अभी पेंटेड नहीं है, मगर बाद में पेंट हो जाएगा, पहले इसको बचा लेते हैं। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये ड्राइड लीव्स हैं, ये ऊपर से अमरूद के पेड़ से गिरी हुई हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट डाला है, इसी की सॉइल यूज़ की है, इसको थोड़ा एनर्जाइज किया है, री एनर्जाइज इसमें डाला है थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, ये डाला है मैंने परलाइट, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं इसको, थोड़े से दाने। ये थोड़ा जब रिपॉट करते हैं उसका शॉक को थोड़ा सा बर्दाश्त करने में हेल्प करता है। और ये थोड़ा सा फंगीसाइड डाल रही हूँ कि फंगल अटैक ना हो प्लांट में। बस ये डाला है, अब इसको थोड़ा सा हिला मिला लेती हूँ, और साथ में अब इसमें ये नीचे ये स्टोन है, इसको उल्टा करके रखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ड्राई लीव्स डाल देंगे नीचे से, ताकि ये थोड़ा हेल्प हो इसको ड्रेनेज में, और ये धीरे धीरे करके कंपोस्ट बन जाएगा, लीफ मोल्ड इंपैक्ट बन जाएगा, और ये प्लांट को थोड़ा नाइट्रोजन देता रहेगा, बस अपने आप दब जाएगा ये। अब इसमें थोड़ी पॉटिंग सॉइल डालते हैं हम लोग,
पूरा इसका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं किया है, थोड़ी सी मिट्टी निकाली है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे करके रूट्स को धीरे से नीचे दबा दिया, बस अब इसमें ये अब अच्छे से दबा दिया इसको, एयर पॉकेट्स ना रहे इसमें। अब इसको अभी अभी पॉट किया है तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, बस इसको अब शेड में रखूंगी मैं। अब मिलते हैं जब ये सरवाइव कर जाएगा तब। ये 2.5 मंथ्स बाद इसका स्टेटस है। ये देखिए सारी लीव इसकी झड़नी शुरू हो गई थी, एकदम स्ट्रेस में था प्लांट। और इसका लीव ड्रॉप का एक और रीज़न होता है कि इसमें इन्फेस्टेशन तो नहीं है। मैंने इसकी लीव्स में नीचे सब जगह चेक किया था, कहीं इन्फेस्टेशन नहीं थी। तो फाइनली मेरे को, हालांकि मौसम अप्रोप्रिएट नहीं था, मगर फिर भी मेरे को ये पॉट चेंज करना पड़ा। और पॉट सेरेमिक था, अब ये टेराकोटा का है। और अब ये प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गया है। इसकी लीव ठीक हो गई है, नई आने लग गई हैं। और रूट्स इसकी जो थी वो मेरे को लगता है क्लॉग कर गया था, उसका जो सेरेमिक का पॉट था उसका जो होल था वो क्लॉग कर गया था और पानी रुक रहा था इसमें, उसी वजह से इसमें लीफ ड्रॉप हो रही थी और ये ख़राब होते जा रहा था बहुत फास्ट रेट में। एवरी डे 10-10, 20-20 लीफ गिरती थी, उसके बाद तो ऑलमोस्ट सारी पीली होने लगी थी। आई होप आपको ये वीडियो कैसे क्रोकिंग को बचाया ये अच्छा लगा। वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।